बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आलू से बनने वाली एक नई और यूनिक रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। ये अंगारा दम आलू की कढ़ाई जब आप एक बार बना लेंगे तो फिर होटल ढाबा तो भूल जाएंगे। यकीन माने टेस्ट इतना लाजवाब कि गोश्त चिकन को भी पीछे छोड़ दे। आज की ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप इसे आज ही बनाना पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार आलू की नई रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार से आलू की कढ़ाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, जिनको मैंने छील लिया था और इनको अच्छे तरीके से वॉश करके पानी के अंदर भिगो कर रख लिया था, इसलिए कि ये काले ना पड़े। आलू मैंने छोटे साइज के लिए थे, यानी कि बेबी पोटैटो। आप चाहें तो आप नॉर्मल आलू भी ले सकते हैं, फिर आपने उसको टुकड़ों में काट लेना है। अब हमने आलूओं को प्रिक करना है। इस तरह मैंने फोर्क ले लिया और हमने फोर्क के साथ इनको प्रिक कर लेना है, ताकि जब हम इनको मैरिनेट करें तो सारा मसाला अंदर तक चला जाए। मैंने सारे ही आलूओं को फोर्क के साथ सुराख करके एक बोल में डाल लिया। अब हमने इनको मैरिनेट करना है, लेकिन मैरिनेशन करने से पहले हमने एक बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा मसाला तैयार करना है, जो इस रेसिपी की जान है। मसाले को ड्राई रोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक टेबलस्पून भर के साबुत धनिए का, 6 अदद मैंने बादाम लिए, 6-7 मैंने काजू लिए यानी कि केशू नट्स, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, थोड़ा सा टुकड़ा मैंने जावत्री का लिया और 4 मैंने लौंग ले लिए। मसाले को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना ताकि मसाला क्रिस्पी और क्रंची सा हो जाए। मसाले को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, अब फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया। मसाला जब ठंडा हो जाएगा इसको हमने ग्राइंड करना है। अब मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही ले लिया, इसको हमने शामिल कर लेना है। ये जो मैंने दही लिया है ना, बहुत ज़्यादा ये खट्टा नहीं है। ज़्यादा खट्टा योगर्ट होगा तो फिर सालन का टेस्ट भी खट्टा हो जाएगा। अब हमने कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं, जिनमें मेरे पास है रेड चिली पाउडर, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून। मैंने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने थोड़ा सा पानी डालते हुए पेस्ट बना लिए। टमाटर की पेस्ट हमने डाल लेनी है। अब मसाला भी ठंडा हो चुका था तो मैंने ग्राइंड कर लिया, इसको भी हमने डाल लेना है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आज से पहले शायद ही आप लोगों में से किसी ने इस तरीके से आलू बनाए होंगे। आज के बाद इंशाल्लाह ताला ये आपकी फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। नॉर्मल से आलू हैं, लेकिन हमने इतना खास इनको टच दिया है ना, ऐसे लग रहा है जैसे रॉयल डिश है। यहाँ पर मैंने लिया है इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो ये है कि ये चिकन टिक्का पाउडर मैंने लिया है, ये भी हमने शामिल कर लेना है 1 टीस्पून। आपने किसी भी ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला ले लेना तो डाल लेना। कुकिंग ऑयल भी हमने शामिल कर लेना है 1/2 कप। मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको हमने काट कर डाल लेना। ये 3 हरी मिर्चें जो मैं डाल रही हूँ इनको मैंने काटा नहीं है, ऐसे ही डालूंगी ताकि दिखने में हमारी आलू की कढ़ाई अच्छी लगे। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना। मैंने ग्लव्स पहन लिए, अच्छी तरह हमने मसाले मिक्स करने हैं ताकि आलूओं के अंदर तक सारे स्पाइसेस चले जाएं। इसी तरह का जो मसाला है ना, वो पतला सा ही होना चाहिए। थिक मसाला रेडी होगा तो आलूओं के अंदर तक नहीं जाएगा। सॉरी, मुझे मिक्स करने के दरमियान ही याद आया कि मैं तो प्याज भूल ही गई थी। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने स्लाइसिस में बारीक सा काट लिया था, इनको भी हमने शामिल कर लेना, इनको नहीं हमने भूलना। मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने, तो फिर हमने कवर कर लेना है और इसको हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है तकरीबन आधा घंटा के लिए। आप चाहें अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं। जब आधा घंटा मैरिनेशन का कंप्लीट हो गया तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया मीडियम पर, और मैरिनेशन किए हुए आलू हमने डाल लेने हैं कढ़ाई में। बोल को हमने अच्छी तरह साफ़ कर लेना।
अब मैंने फ्लेम को हाई पर कर लिया और हमने इसको पकाना है। अब देखें मसाले में उबाल आना स्टार्ट हो गया और कितना सारा इसने मॉइस्चर छोड़ दिया, सॉफ्ट सा हो गया। तो इस पॉइंट पर अब हमने फ्लेम को कर लेना है लो से मीडियम पर और कवर कर लेना है और इसको हमने 5 से 6 मिनट तक के लिए पकाना है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद अब जितना भी आलूओं ने और मसाले ने पानी रिलीज़ किया था वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया, जितना भी रिलीज़ करना था वो उसने कर दिया। तो हमने फ्लेम को कर लेना है मीडियम पर और इसको हमने अब भून लेना है ताकि जितना अच्छा हम ये मसाला भूनेंगे उतना ही फ्लेवर निकल कर आएगा। अच्छी तरह भूनते जाएंगे। इतनी ये आलू की कढ़ाई मज़ेदार बन के तैयार होती है कि खाने वाले इतना खुश हो जाते हैं कि वो गोश्त चिकन को तो भूल जाते हैं। अगर पार्टी है, कोई दावत है, तो ये स्पेशल कढ़ाई आलू की आप साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं। 4-5 मिनट तक हमने भूनना है। इस पॉइंट पर आलू भी तकरीबन 50% गल चुके हैं। अब मैंने इसको 4-5 मिनट तक भून लिया है क्योंकि आलू अभी कच्चे हैं तो हमने इनको फर्दर गलाना है। तो यहाँ पर अब मैं इनके अंदर शामिल कर दूंगी पानी। 1 कप मैंने पानी का लिया है, मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। इसको हमने दोनों हाथों से मसल कर डाल लेना है ताकि अच्छी सी हमारी आलू की कढ़ाई के अंदर खुशबू आए। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब हमने लो पर कर लेना है। थोड़ा सा ये मेरे पास धनिया है, इसको मैंने वॉश करके काट के रखा हुआ है, इसको डाल लेंगे। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, वो हम गार्निश के तौर पर एंड पर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे, एक दफ़ा कवर कर लेंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए फर्दर पकाएंगे या फिर उतनी देर के लिए कि आलू गल जाएं। अब 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब माशाल्लाह देखें, बहुत ही मज़ेदार हमारी ये आलू की कढ़ाई या फिर आलू का सालन बन के तैयार हुआ है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा किचन महक रहा है। आलू भी गल चुके हैं। अब इसको मैं मज़ीद फ्लेवर देने के लिए, स्मोकी टच देने के लिए यहाँ पर मैं मिडल के अंदर छोटी सी एक प्याली रख रही हूँ। कोले को मैंने दहकाने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेंगे और कवर दे देंगे ताकि हमारे आलू की कढ़ाई को स्मोकी फ्लेवर मिल जाए। जब स्मोक देते हैं ना, कोयले का धुआं देते हैं, फिर बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आता है। जो यकीन करें, खाने वाले आपसे इस रेसिपी को एक दफ़ा पूछेंगे ज़रूर कि ये आपने कैसे तैयार की। 1 मिनट के बाद हम लिड को ओपन कर लेंगे और हमने ये प्याली अब निकाल लेनी है। अब माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार स्पेशल आलू की कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। एंड पर मैं 1 स्पून इसके अंदर क्रीम का शामिल करूँगी ताकि क्रीमी हमारी ये कढ़ाई का टेक्सचर हो जाए। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इतना क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है मसाले का। ग्रेवी की लुक ज़रा आप चेक कीजिए, कलर देखिए माशाल्लाह। लगता है कि हमने ये कढ़ाई आलू से बनाई है और ये आलू हैं। गोश्त चिकन तो हम खाते ही रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ों को भी हमें ट्राई करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में दोपहर के टाइम पर जब आप एक दफ़ा इस कढ़ाई को बनाएंगे, साथ में रोटी हो या चावल या फिर नान, खाकर मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है, ये अब रेडी है। गार्निश के लिए जो मैंने थोड़ा सा धनिया बचा लिया था एंड पर, ये भी मैं डाल लूँगी। अब आपने मुझे बताना है कि जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है आपने और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक भी मुझे देने हैं। मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ वो जेन्युइन होती है और मेरा वो सालों का तजर्बा होता है। मैं रैंडमली उठकर कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करती। मैं देर से रेसिपी शेयर करती हूँ, रोज़ रेसिपी नहीं शेयर करती, लेकिन जब भी करती हूँ दिल से करती हूँ शेयर ताकि आपके काम आ जाए। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।